नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुण जी नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चलो आप अच्छा रहो, आशीर्वाद हमें भी देते रहो, हम भी अपनी सेहत अच्छी रखें। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो यू जस्ट रिंग मी अ रिंग, आई विल बी देयर। आपको इतने लोगों को जो अच्छा किया आपने सोसाइटी के लिए, जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की है, वाकई एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। पता नहीं कितने लोगों के घर बसते हैं इससे और कितने लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती होंगी। आप अपना डॉक्टर होने का पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं सर। आई रियली इम्प्रेस्ड द वर्क विच यू हैव डन फॉर द सोसाइटी, थैंक यू वेरी मच सर। वो तो हाँ मेरा जी मेरा ही ड्यूटी है, जो मुझे आता है मुझे करना चाहिए। मैं बिल्कुल 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 सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ कि हाँ मुझे आता है तो मैं कर रहा हूँ। हाँ जी सर, नहीं एहसान नहीं, पर यह है कि आप, आपकी सोल प्योर है, आपकी कॉन्शियस कहती है कि लोगों का भला करना चाहिए, तो आप कर रहे हैं, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती ना। बात यह जी, जिस पड़ाव पे हम खड़ा हुआ हूँ, हाँ जी दो सर, चार साल के बाद ऊपर वाले ने बुला लेना है कि भाई आजा आजा, नहीं बहुत दिन हो गए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ जी ऐसा नहीं बिल्कुल सही। सर, वो टाइम का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके ऊपर वो टाइम आ जाए कह नहीं सकते। अनसर्टेनिटी का टाइम है, कोरोना फिर से आ गया है, जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं ऑलरेडी, पता नहीं ना किसके ऊपर क्या रिएक्शन हो जाए। अगर आपके पास कोई केस आए तो उसे कहो कि भैया एक लाल वाला प्याज ले लो, उसे छील के सेंधा नमक से खा लो, और 4 घंटे बाद आपसे कहो कि मुझे बताए, अच्छा एंड रिजल्ट्स आर गुड। ओके, तो ये सर देसी इलाज करा लीजिए। अच्छा, तो सर ये इसका कहते हैं इम्पैक्ट कम है, पर एस्ट्रोलॉजिकली प्रडिक्शन आती रहती हैं और देखते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं कि भी 4 फरवरी के बाद से केसेस पीक पर आएंगे। अब बड़े दावे के साथ उन्होंने बोला है, अब देखो। और हो सकता है कि ओवरऑल इम्यूनिटी डेवलप हो रही है लोगों में, ये भी हो सकता हाँ नहीं वो तो हो ही रही है, क्योंकि जो इंजेक्शन दे रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट है, हाँ जी और जो असल में क्या है कि यहाँ पर प्रिकॉशन नाम की कोई चीज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल बिल्कुल आई हैव बीन टू यूएसए फॉर 10 मंथ्स इन द पीक ऑफ कोरोना, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो कई चीजों का बहुत ध्यान से ध्यान रखते हैं, सर यहाँ जर्मनी वो में केसेस ध्यान नहीं बढ़ है। रहे हैं, जर्मनी में बूस्टर यहाँ डोज लग रही नहीं, है। वो जो वो उनके अलग है। यूरोप में, मैं यूरोप का भी बताता हूँ आपको, क्योंकि यूरोप और अमेरिका तो मेरा रूटीन है कि मैं साल में 2 बार दोनों बार जाते ही जाता हूँ दोनों जगह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो वहां लोग आपको लॉकडाउन ही लगाने देंगे। यूरोप में क्राइम रेट बहुत कम है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां जेलें बंद हो गई हैं करीब करीब, यूरोप में बहुत कम जेलें हैं, यस, मतलब क्राइम ना रेट के कम है, बराबर। ये सबसे अच्छी बात है वहां की। और अमेरिका में और यूरोप में लोग बेसिकली ईमानदार बहुत हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसी दे सकता हूँ, एक दो साथ हुई है इसलिए मैं उनको बता सकता हूँ। हमने रेलवे स्टेशन पे ट्रेन की इंतजार कर रहे थे, जैसी ट्रेन आई हमारा आईपैड, ये आईफोन नहीं, वहां रह गया स्टेशन के ऊपर। अगर हिंदुस्तान में रहता तो जिंदगी भर नहीं मिलता, लेकिन हमारा ये क्योंकि यूरोप में एम्स्टर्डम के वहां वहां खोया था, तो मेरे जो दामाद हैं वो उसको देखने के लिए स्टेशन पे आए, वहां नहीं था, तो उन्होंने कंप्लेंट की। उन्होंने कहा जी अभी अभी किसी ने एक मोबाइल फोन लास्ट स्टेशन पे, लास्ट जो लास्ट वो स्टेशन है वहां जमा कराया है, आप पता करिए वो आपका तो नहीं है। हमारे दामाद ने हमें फोन किया, हम क्योंकि लास्ट ही स्टेशन पे उतरे थे, हम वापस वहां पहुंच गए। वहां वो तो कहने लगे जी आप अपना आईएनटी कार्ड दे दीजिए, आप अपना पासपोर्ट दिखाइए। मैंने कहा जी हमारे पास तो पासपोर्ट नहीं है। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, ये 2 मिनट के लिए हमें दीजिए हमारे हाथ में, हम उसको देख के बताते हैं आपको, आपको पता लग जाएगा कि हमारा है। उसने जब दिखाया ना तो मैंने कहा ये हमारा ही है, तो कहने जी इसका प्रूफ। मैंने कहा जी आप मेरे को दे दीजिए ये, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने दिया तो हमारे हमने उसको अपने फेस से खोला, तो एक प्रूफ मिल गया उनको, ये मेरे फेस से खुल रहा है।
और फिर हमारी और मेरे मिसेज की दोनों की फोटो लगी हुई थी उसपे। तो मैंने कहा जी ये फोटो देखिए किसकी है। उन्होंने हमारी फोटो देखी और इमीडिएटली उन्होंने हमें डिलीवर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर ये तो है, मतलब फिर ये था कि आप अपना फोटो लाइए हम ये करेंगे वो करें, मतलब उनकी समझ में आ गई कि हमारा ही है आई थी। हाँ हमारा ही और डिलीवर्ड अस, देखिए बस ये तो है। योगीश्वर जी नमस्कार, फोटो दिखाइए अपनी शक्ल दिखाइए, बहुत बहुत नमस्कार, आशीर्वाद दीजिए हमारे पूरे ग्रुप में। कैसे हैं सर आप, कैसे हैं? ठीक है जी मेहरबानी है, ठीक है। सर बढ़िया सर। पूजा मैम कैसे हैं आप? मेरी ख्याल से फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया हमारा वेबिनार, अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन से सिटी से हैं मैम? दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप दिल्ली में रहते हैं, वी आर ऑल्सो इन दिल्ली। आपका कौन सी एरिया से है मैम, फोन नंबर दीजिएगा। 88 हाँ जी 6600 7226। अच्छा मैं बेसिकली मैं फोन नंबर लिखने में मेरे को दिक्कत होगी ऐसे, एक काम करिए सभी को नमस्कार जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो लोग नए हैं वो अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोन नंबर ये आप चैट में डालिएगा। बिकॉज उसका रीजन क्या है, आज हमारी एस्ट्रोलॉजी की फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है, उसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ से हम आपका मूलांक भाग्यांक चेक करके आपका फोन नंबर बैलेंस करेंगे और देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बैलेंस है या नहीं है। ये मतलब दिस इज अ सर्विसेज विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप अगर चैट में डाल देंगे दिस देन इट विल बी कन्वीनियंट टू मी टू चेक। बहुत हेक्टिक रहता है डे, जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि आप लोगों के मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं, जिससे कि देखते ही पता चल जाता है कि आपका मोबाइल, आपका लाइफ में कोई अनसर्टेनिटी या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर होती है तो फिर हम आप लोगों से बात करते हैं। तो आप अपना फोन नंबर भी उसमें डाल दीजिएगा, इसमें कोई ईगो इशू नहीं है। अगर मुझे कोई दिक्कत लगती है मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ, जबकि लोग कहते हैं कि भाई हम क्यों करें। मुझे लगता है कि जब आप इस फैमिली में जुड़ रहे हैं तो फिर मैं फर्क फोन करूँ या आप करें कोई फर्क नहीं है। तो प्लीज आप सभी लोग चैट में डाल दीजिए, इट विल सेव आवर टाइम। पूजा जी आप डाल दीजिएगा डिटेल। अरुण जी ने तो कोर्स ज्वाइन कर ही लिया है। अरुण जी आपने फर्स्ट क्लास ली, कैसे लगा आपको क्लास में? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी हाँ मैम बहुत अच्छा लगा, सब समझ में आया। तो उसके बाद में मैंने फैमिली जीते डीओबी था अवेलेबल, वो मैंने प्रैक्टिस भी किया, सही निकल रहा है। अच्छा देखिए रुपेश जी भी थे हमारे साथ, आज सुबह सुबह उनका फोन आ गया, कह रहे मैंने 10 चार्ट बना लिए और मुझे बताओ। मैंने कहा मैं क्लास में डिस्कस करूंगी। सर योगीश्वर जी आपने बनाया, आपको कुछ कैसा लगा क्लास में? बहुत अच्छा जी, काफी कुछ सीखने को मिला, लेकिन अभी और सीखने की तमन्ना है अभी बहुत। सर अभी तो एक ही क्लास हुई है ना, एक क्लास में काफी कुछ सीखा ना, एक क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा मेरे हिसाब से। मतलब जब मैं कराऊंगी तो दिल से पूरी तरह से समर्पित डेडिकेट होके मैं आपको कराऊंगी। यही 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 इसके के इसमें खासियत है, आप जो भी बताते हैं ना बहुत इतना सिंपल और इतने तरीके से बताते हैं कि सब समझ में आ जाता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट यू नो। हां सर इसी तरह से प्रेडिक्शन भी हम कर पाएंगे, अभी तो फर्स्ट क्लास है ना, अब दो या तीन क्लासेस के बाद, बट उसको मैं अनाउंस नहीं करती। मान लीजिए कोई हो जाए वो कहेंगे मैडम हमें तो आया नहीं आपने कहा था, तीन क्लास में लोग कोट कर देते हैं इस चीज को, तो वहां पर मेरे को ट्रबल होती है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना, आप सीखेंगे एक एक क्लास में, आप देखना प्रेडिक्शन आप करने लग जाएंगे सर। और जब आप प्रेडिक्शन करेंगे तो हमारी डिपेंडेंस जो है दूसरों पे खत्म हो जाती है, जो हमें इनसिक्योरिटी फियर रहता हर समय कि क्या होगा, अब आने वाला टाइम कैसे है, अब यूट्यूब भरा पड़ा है 2022 कैसा मूलांक वालों के लिए होगा, एस्ट्रोलॉजिकल कैसा होगा। इट इज सो सिंपल कि पर्सनल ईयर से आप निकाल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी तो मैं अभी सिखा ही रही हूँ उस क्लास में बेसिक, लेकिन ये बहुत सिंपल अंक विद्या, सिंपल है, इजी टू लर्न, इजी टू अप्लाई, और हमारे लाइफ के फियर निकल जाते हैं और हम इसको अपनी लाइफ को खुद ही नेविगेट कर लेते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती।
जितनी भी बड़ी बात है कि लाइफ के फियर, लाइफ के काफी फियर निकल जाते हैं। हाँ, निकल जाते हैं ना, तो जो हम डर के जीते हैं या हमें जो हर समय डर लगा रहता है, टेंशन में रहते हैं, वो टेंशन जब खत्म हो जाता है, मानसिक और फिजिकल सारे रोग खत्म हो जाते हैं सर। बहुत फर्क पड़ा है जी, बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, और सर रेमेडीज भी काम करती हैं। मजे की बात यह है, ये रेमेडीज इतनी इफेक्टिव हैं, कई लोग मेरे को क्लियरली बोलते हैं कि मैडम फर्क पड़ा। कई लोग बहुत ऐसे हैं जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बहुत असामी बंदे हैं, काफी ऐसे रेप्यूटेड फैमिली से भी हैं, तो कई अपना अपना नेचर है। कई लोग तो अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ मैम फर्क पड़ा, लेकिन कई लोग इम्प्रेस होते हैं फर्क पड़ता है लेकिन मुंह से बोलते नहीं है, उनको लगता नहीं कहीं इसका दिमाग ही ना खराब हो जाए। उनके उससे पता चलता है मुझे कि अगर वो मेरे साथ आज भी टच में है, मेरे से आज भी सलाह करते हैं, तो उनको फर्क पड़ा है, डेफिनेटली पड़ा है। फर्क पड़ा, तभी तो टच में है वो। और सर वो बहुत खुश रहने लग गए हैं। जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे कोई है पर्सन, जब मेरे पास आए थे इतने परेशान थे, मैंने उनको बोला कि आज के बाद पहले आप मेरे को ये बोलो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाओगे, तब मैं आपको सब बताऊंगी। अब वो उनकी भटकने की आदत थी, कह रही है मेरे तो 3 जगह पूजा चल रही है। मैंने कहा सर अब एक बात सुनो, पूजा वही है जो हम अपने सच्चे मन से करें। आप सुबह बैठ जाओ 4 बजे 5 बजे जब नींद खुल जाए, आप अपने प्रभु का स्मरण करिए, वहीं आप देखिए आपकी सोल की कनेक्टिविटी हो जाएगी। अपना मन अच्छा, कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर मन अच्छा तो अपने आप सब जगह गंगा ही गंगा और ईश्वर की कृपा बरसती है। ये मैंने साक्षात इस चीज को देखा है, उसकी कृपा बरसती है अगर हम मन से अच्छे हैं। अब मैंने ये थोड़ा सा और सोचा है इस बारे में, जो कोर्स कर रही हूँ बहुत सालों से, बहुत टाइम से लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, पहले मेरे को कहीं गुस्सा आता था, अब मेरा मन जो है शांत हो रहा है। मैं सोच रही हूँ जिसका जो कर्म वो उसको मिलना है, हमें अपने रास्ते पे बढ़ते चले जाना है। जैसे डॉक्टर साहब है, उनका कहते हैं मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मेरी कॉन्शियस है कि मैं अपना अच्छा काम करके लाइफ में चलूं, तो ऐसे ही मेरी भी इच्छा है कि आप बड़े लोगों का मेरे पे आशीर्वाद बना रहे और मैं आगे बढ़ती रहूं और अपना काम करते चले जाऊं। हाँ जी, यही लाइफ का मोटो होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। मेघा जी आप फर्स्ट टाइम आए? नमस्ते मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। फर्स्ट टाइम आए बेटे? नहीं मैम, मैंने आपकी 5 डेज की क्लास ज्वाइन की थी। हाँ जी, हाँ जी जी। जो 13 को जो लास्ट था, शाम को 6 बजे दिया था आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्लियर हुआ कुछ के नहीं हुआ? समझ मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाली थी मैम, आपने कुछ बताया ही नहीं। बेटे बताया नहीं तो आप मेरे को कॉल कर लो। बहुत सारे लोग देखो, जब पहली क्लास में 150 लोग थे, 150 लोगों के बैच थे 2-3, 150 पांच छह दिन बहुत हेक्टिक रहा ना, तो उसमें कई लोगों के नंबर स्किप हुए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप फोन करो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज मेरे पास एक बहुत पुरानी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, उनका आज एक मैसेज था, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि देखो लोग कितने अपनी लाइफ में परेशान है। एक सेकेंड में दिखाती हूँ उनका, आप समझिएगा बात को। उनका नंबर एक सेकेंड बता रही हूँ। हाँ देखिए, उनका मैंने एक मैसेज पढ़ा, उन्होंने लिखा था, इस दुनिया में कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है डिप्रेशन। कैंसर का पहचान करना आसान है, पर डिप्रेशन ऊपर से हंसते मुस्कुराते इंसान को दीमक की तरह कब अंदर से पूरा खोखला कर देता है, पता भी नहीं चलता। आप सोचिए उस पर्सन के बारे में जिसने ये मैसेज डाला। तो मैंने उसको क्या मैसेज डाला कि तुम अपना चार्ट मेरे को टाइम भेजो। ठीक है, जैसे आप मोबाइल पे बैठे हैं, उससे मैंने टाइम मंगाया। मैंने उसको बोला कि उसका, मैंने पत्री खोली, पत्री खोल के मैंने देखा कि उसका समय अभी 2022 अक्टूबर तक काफी समय खराब है। मैंने उसको बोला डोंट वरी, आप जो सेकंड मैरिज का सोच रहे हो उसके मैं उपाय बताऊंगी आपको अभी। और उन्होंने एक मकान रीस इस तरह से था, तो वो मैंने उनको रेमेडीज बताई थी। उसके बाद देखिए, हाँ उसकी पत्नी मैंने पूरी खोली है और मैंने उसको सब बताया कि भाई अक्टूबर से आपका टाइम जो है फेवरेबल आ रहा है, तो आपको चिंता नहीं करनी। ठीक है, अब देखो उस बच्चे की लेडी है, वो 3 बच्चे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अब देखिएगा उनकी जिंदगी में कितना बड़ा, मतलब वो बेचारी मदर नहीं है, फादर है, अब 3 बच्चे हैं और लाइफ कितनी स्ट्रगल में। आप देखो कह रही है डिप्रेशन, जो समझने वाला होगा वो समझ सकता है कि कैंसर से भी ज्यादा बुरी बीमारी है डिप्रेशन। जो मेंटल इलनेस लोग को अंदर ही अंदर एक फियर एंजाइटी हम लोगों को खाता है।
अब मैंने उसकी मैंने क्या किया, मैंने उसका चार्ट लिया, टाइम लिया, उसका चार्ट देखा, उसको मैंने गाइड कर दिया, बेटे तेरा ये टाइम आगे चिंता नहीं करनी, तेरे को आगे बढ़ना है लाइफ में, और काफी सेटिस्फाइड है मैंने कहा आगे तेरे को जब तेरा समय फेवरेबल आएगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर री मैरिज आई विल गाइड यू, बिना पथरी मिलाए नहीं करना, पथरी मैं तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला दूंगी, तो ठीक है। और ये इनिशिएटिव मेरी तरफ से था, उनकी तरफ से नहीं था, आप समझ रहे हो। तो जब टाइम हो, जैसे अगर मोबाइल पे कोई किसी का मैसेज आया, कोई बातचीत हुई, तो इमीडिएट मैं उसको रेसिप्रोकेट करती हूँ, ठीक है। और अगर इतने लोगों में छूट जाता है तो उसके बाद, अब वो गुरमीत कौर एक मैम आई थी, अब ना तो उनका मेरे पास फोन नंबर है, इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोग फोन नंबर डाल दीजिए। और उनको प्रॉब्लम थी कुछ माइग्रेन की, काफी तबीयत खराब थी उनकी, तो उनका मैंने चार्ट भी देखना था, फोन नंबर भी नहीं है मेरे पास, तो इस तरह से हो जाता है। इसको दिल पे मत लगाइए, लेकिन आप ये देखिए कि कोर्स, अगर कोर्स करते हो, मैं अपने कोर्स को बेच नहीं रही हूँ, पहली बात, आई एम नॉट हेयर टू सेल द कोर्स, मैं ये चाहती हूँ कि आप जिंदगी में मेहनत करो, अपनी लाइफ को खुद नेवी, आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे, और ये अंक विद्या रिजल्ट देगी आपको 101%। अच्छा, इसके बाद चलते हैं, राजेंद्र जी नमस्कार, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं किसी को नहीं कह रही कोर्स ज्वाइन करने के लिए, आप ये, मैं जो आज का क्लास है मेरी बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास रहेगी, उसमें मैं समझाऊंगी आपको कि एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। देखिएगा, जो जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, सर रात को मैंने एक बुक पढ़ी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, उसमें कौन से ऐसे लोगों का चार्ट है जिसमें हमें ये पता चलता है कि उसको लिवर की प्रॉब्लम होगी, उसको कैंसर की संभावना है, उसको ड्रग एडिक्शन की पॉसिबिलिटी है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक स्पेशलाइज ब्रांच है। तो आप देखिए, मेडिसिन और एस्ट्रोलॉजी की, आप डॉक्टर की भी हेल्प लो, एस्ट्रोलॉजी की भी हेल्प लो, और उस सबसे ऊपर डिवाइन की हेल्प लो, तो आप कैसे नहीं ठीक होंगे, हो जाएंगे बिल्कुल 101%। मंजू शर्मा जी, आपने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, बट बहुत सारे अननोन लोग आते हैं, तो मैं सबकी एक्सेप्ट नहीं करती, पहले कर लेती थी, बट अब मुझे थोड़ा सा अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मैंने आपको ऐड नहीं किया था, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ बताइए कुछ अपने बारे में, मैम मंजू शर्मा मैम, आर्यल सूरज, नयन जोशी, प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, तभी मजा है क्लास का। हाँ जी मैम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इसके बारे में बताइए। नाम संदीप जोशी है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा संदीप जी, नमस्कार नमस्कार। दिल्ली द्वारका में रहता हूँ, और अच्छा। मैं एक स्कूल चलाता हूँ, स्कूल का एक संचालक हूँ मैं। अच्छा, वेरी गुड। मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, मुझे बहुत शौक है ये, मैं पढ़ता रहता हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आता, तो मैंने कहा चलो आज आपकी क्लास ज्वाइन करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यू विल एंजॉय द क्लास, यू विल एंजॉय द लाइफ, राइट। और काफी रुचि है एस्ट्रोलॉजी में, मुझे बेसिक अपनी मदर के लिए सीखना है, मेरी मदर बहुत बीमार रहती है, तो उनके लिए मुझे ये सीखना है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, आप मदर का डेट ऑफ बर्थ दीजिए सर मेरे को। आप 15 जून 1954। अच्छा सर, आपका नाम संदीप जोशी? संदीप जोशी, संदीप, हाँ जी संदीप जोशी। सर अपना नंबर और अपना डिटेल, अपना बर्थ डिटेल आप चैट में डाल दीजिए, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड में रहेगा ना, तो कभी भी आपको बात करनी होगी तो कर पाएंगे हम लोग। ठीक है मैम। मैम पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं? बेटा ये न्यूमरोलॉजी की क्लास नहीं है, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी चलेगी अभी, ठीक है। हाँ ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास चलेगी, न्यूमरोलॉजी की क्लास के लिए अलग वेबिनार चलते हैं बेटे, उसमें बताएंगे, ठीक है जी। थैंक यू मैम। हाँ, और अगर देखिए, अगर आप टुकड़े टुकड़े में कहीं से सीखेंगे, अभी यशवी ने मेरे साथ ज्वाइन किया और प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी लोग, और हाँ बेटा बोलो, एक सेकेंड बता रही हूँ मैं, 6, 12, 3, 6, 9, 15, 36, 37, 38, 44 सर 6
हाँ जी सर, संजीव संदीप जी, मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे बात करूं या अलग से फोन पे बात करें? हाँ जी, लेकिन आप चिंतित नहीं होइएगा, अगर आप टेंशन नहीं लेंगे तो मेरा प्रश्न जगाने का नहीं है। बाकी सर अनम्यूट कर लीजिए, सर आप भी कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। देखिए आपकी मदर बहुत भाग्यशाली रही होंगी सर, पूरी लाइफ आप चैट पे डाल दीजिए, चैट पे डाल दीजिए। भाग्यशाली है, भाग्य का उनको हमेशा साथ होता है। आप म्यूट कर लीजिए, आप चैट में यस। हाँ, आप देख लेना इस चीज को, भाग्यशाली बहुत रही होंगी और उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा सर, क्रिएटिव होंगी बहुत। ऐसा है तो आप यस करके डालते जाइए चैट में, मैं देख लेती हूँ चैट में। नो किस पे डाला है आपने, कि वो क्रिएटिव नहीं है या कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है उनका? क्रिएटिव तो नहीं कह सकते। हाँ, कम्युनिकेशन ठीक है, नॉर्मल। हाँ, कम्युनिकेशन अच्छा है उनका। हाँ, कम्युनिकेशन अच्छा है। देखिए मैं एक चीज बता दूं, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा उनका ज्यादा, इसको मैंने गलत इंटरप्रेट किया, मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन भाग्य की बहुत धनी है और विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। हाँ जी, और कोई भी काम करना चाहती है, जिससे काम करना पसंद करती है। हाँ जी, उनको किसी और का काम ज्यादा पसंद नहीं आता। शी इज वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। हाँ जी सर, जो लोग कोच हुए हैं आप समझिएगा सर, आप देखिए इसको बना लीजिएगा 15 जून 1954 में, 15 जून 1954। जो मेरे साथ कोर्स कर रहे हैं अरुण जी और योगेश्वर जी, आप, हाँ अजय जी, महेश राय सोनी जी, आप ये ना जो मैं आज डेट दी है, इसको कल परसों हमारी क्लास होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे इस चार्ट को। 15 जून 1954 कोशिश करना आप भी हमें बताने की, इस डेट से आप क्या। देखिए हर इंसान यूनिक है, कुछ आइडियाज नंबर से आपके माइंड में आएंगे, कुछ मेरे माइंड में आएंगे, लेकिन चूंकि मेरे को एक्सपीरियंस हो गया तो जैसे जैसे आप करेंगे आप भी कर पाएंगे। विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर, लेकिन उनकी जो मैं बोल रही थी ना कम्युनिकेशन स्किल, उनका बहुत अच्छा नहीं है। वाणी और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा नहीं होगी वहां, थोड़ा मेरा इंटरप्रिटेशन में जब मैंने उनका आगे फर्दर कैलकुलेशन की, तो उनका बुध का उपाय करना है सर आपको। आप बुध में क्या करेंगे, गाय को हरा चारा खिलाना है, और ये मेरे को पत्री देख के मैं उनकी प्लेसमेंट देखूंगी कि क्या प्लेसमेंट है। एक मैं उनका उपाय बताऊंगी, मूंग की दाल भिगो के बुधवार को चिड़ियों को दाने को डालना होगा। ये मेरे को एक बार इनका डेट ऑफ बर्थ टाइम भी चाहिए होगा, मदर का टाइम भेज देना, मैं उनको चेक कर लूंगी अगर। अच्छा, दूसरा चीज सर ये है कि आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में आए हैं, तो ये भी मैं चीज बता दूं, मेरा एस्ट्रोलॉजी में आने का भी यही कारण था। आज से 10 साल पहले माई मदर वॉज वेरी सिक एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ लिवर सिरोसिस, और मेरे फादर को मोटर न्यूरॉन डिजीज हुआ, तो हम ब्रदर सिस्टर्स की सबकी लाइफ जो थी ना, बिल्कुल कहते हैं ना हम जैसे आसमान से गिर के नीचे गड्ढे में जाते हैं, वो हालत थी हम लोगों की, क्योंकि आप अपनों को दुख में नहीं देख सकते कभी भी। और मेरे फादर बहुत एस्ट्रोलॉजी में बहुत शौकीन रहते थे, और उनसे ही मैंने प्रेरणा ली, और मैं उनको बोलती थी कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटी, मैं बोलती थी पापा मैं एक दिन जरूर पता लगाऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ, और उस बात पे 10 साल से बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये कट शॉर्ट कर रही हूँ इसको। उनका अभी जो पर्सनल ईयर आ रहा है ना सर, वो थोड़ा फेवरेबल नहीं है, उनका मंगल थोड़ा तकलीफ देगा इस साल। एक सेकेंड, 6, 4, हाँ बिल्कुल सर, ये 5 फरवरी से आपको एक उपाय करवाना है इनके लिए। हर एक तो 5 फरवरी से 21 दिन का हनुमान बाहु का पाठ मंदिर में जोत जला के रात को 10-11 बजे दिया जलाइए देसी घी का, मंदिर में बैठ के आप करिए या आपकी मम्मा करे, मम्मा नहीं कर सकती तो आप करिए, विश्वास के साथ करिए हनुमान बाहु का पाठ। ठीक है, या आप इसको ट्यूसडे से भी शुरू कर देना, आप कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूसडे से शुरू करो, इनका कष्ट कम हो जाएगा, तबीयत में बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरी चीज, इनको आप पंचमुखी रुद्राक्ष गले में पहनाइए,
पीले रंग के धागे में, पंचमुखी रुद्राक्ष इनको अपनाना, इनकी सेहत के लिए जरूरी है, ठीक है। और बुध का मैंने आपको उपाय बता दिया है, और ये हनुमान जी का ये पर्सनल ईयर इनका हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है सर। जब जो लोग मेरे से सीख रहे हैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे जैसे मैं अब रिसर्च कर रही हूँ इस विषय पे, जब हम देखते हैं उठावनी का कॉलम देखते हैं न्यूज़पेपर में, तो मैं उसको डेली उसमें देखती हूँ और वो नंबर्स में लेती हूँ, डेट ऑफ बर्थ उसमें कैलकुलेट करती हूँ कौन से पर्सनल ईयर इंसान के लिए। जैसे पर्सनल ईयर 9 है या 6 है, तो हर 10 साल में 1 से 9 तक के नंबर है ना, 9 प्लैनेट्स हैं, तो 1 से 9 तक के नंबर तो आते रहते हैं, लेकिन वो तो हर 10 साल में रिपीट होते रहेंगे, तो ये थोड़ी हर 10 साल में आदमी की डेथ होती रहेगी। लेकिन जब ओल्ड एज आ जाती है और पर्सनल ईयर फेवरेबल नहीं आता, तब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। और ये एक अच्छी चीज है कि अगर हम देखिए ऐसे बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, आप छोटे से फ्लैट में ही रहते हैं या बड़े घर में रहते हैं, बड़े घर की तो बात छोड़ दीजिए, अगर हम फ्लैट में भी रहते हैं तो भी ऐसे इंसिडेंसेस हुए। अभी मेरे मतलब कजन चाचा जी समझ लीजिए, उनकी वाइफ 2 दिन के लिए अपनी बेटी के पास चली गई, और हस्बैंड उनके बिल्कुल ठीक ठाक थे, बेटा बहू फर्स्ट फ्लोर पे सो रहे हैं और वो नीचे सो रहे हैं, उस दिन ट्यूजडे था, मंदिर होके आए बिल्कुल ठीक। तो सुबह क्या कहते हैं, पानी की मोटर ऑन करनी थी, बहू नीचे आई, उसने सोचा आज पापा सो रहे हैं, चलो आज मम्मी नहीं है तो थोड़ा लेट सो रहे हैं, कोई बात नहीं। आधे घंटे बाद स्वीपर आया तो वो बेटा आया, वो अपना काम करके चला गया। मदर फोन कर रही है अपने हस्बैंड को, मतलब जो लेडी है, उन्होंने फोन नहीं उठाया, 2 बार फोन नहीं उठाया। जब तीसरी बार 9:30 जब उन्होंने फोन नहीं उठाया, उसने बेटे को किया, बेटे ने दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला, कुंडी तोड़ी, पता चला जी 4 बजे ही हार्ट फेल हुआ, खत्म हो गए। उनकी डेथ हुए 5 घंटे हो गए, घर में पता ही नहीं चला। एक घर में रहते हुए जो वाइफ कभी छोड़ के नहीं जाती थी हस्बैंड को, तो मेरे हिसाब से जब ओल्ड एज होती है तो ये हम बच्चों की ड्यूटी बनती है कि हमें हर मोमेंट ऐसा करना चाहिए, पेरेंट्स जब दुनिया से विदा हो तो बहुत शांति के साथ पूजा पाठ करते हुए इतना अच्छा कंफर्ट जोन हम उनको दें कि जब वो दुनिया से जाएं तो जो कष्ट, मृत्यु का कष्ट होता है 1000 बिच्छू काटने जितना कष्ट होता है, उस समय इतना कष्ट होता है इंसान बोल नहीं पाता। मैंने अपने मम्मी पापा की डेथ को अपनी आंखों के सामने देखा है, जो वो कष्ट की सीमा है ना, आप देख लीजिए 2018 में पापा गए और आज 3 साल हो गए उनको गए हुए, अभी भी मेरे को इतना मतलब डेली दिन रात सुबह शाम मेरे को उनकी मेमोरीज, उनके सपने, ड्रीम्स आते हैं, क्यों मैं उनको भूल नहीं पाती हूँ। और बिल्कुल अलर्ट रहती थी मैं, पूरी दुनिया से लड़ लेती थी, उनको नहीं छोड़ती थी मैं। तो ये हर एक बच्चे का कर्तव्य है कि जब माँ बाप ओल्ड एज में है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि आपको चिंता है माँ की, और माँ का कर्ज हम जिंदगी में कभी नहीं उतार सकते। एक सिर्फ माँ बाप है, हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप ऐसा, एक हाथ लेना और एक हाथ देना, भले ही कितना अच्छा रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन एक माँ बाप जो होते हैं उनका कर्ज हमारे पे हमेशा रहता है जिसको हम उतार नहीं सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ इनको क्या करना सर, हॉस्पिटल में जैसे तबीयत खराब है, कोई पास में नर्सिंग होम है, कोई डिस्पेंसरी है, कोई हॉस्पिटल है, वहां इनको चक्कर लगवा देना, वहां जाके जो शुगर की नीडल होती है ना, उससे एक ड्रॉप ब्लड की वहां के डस्टबिन में गिरवा दो, कैंटीन से पानी ले लो बिस्लेरी का वो पिला दो, घर से खाना ले जाओ, फ्रूट ले जाओ, वहां बिठा के उनको बेंच पे 10-15 मिनट बेंच पे बिठाया, या जो भी हॉस्पिटल का एरिया जो कंफर्टेबल है। खैर आजकल तो कोरोना है तो हमें बिना वजह नहीं जाना है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी प्रिकॉशंस के साथ ऐसे जगह ले जाओ हॉस्पिटल के जो पार्क होता है हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में, तो वहां पे ले जाके उनको ये काम आपने हर महीने करवाना है सर। तो नहीं तो इनको प्रॉब्लम क्या है वैसे आपकी मदर को? मैम इनको कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी चेस्ट में पेन, कभी हाथों में दर्द, नींद नहीं आना और सो नहीं पाती, बहुत बेचैन रहती है। देखिए सर, मेरे को आप पत्री भेज दीजिएगा और okay, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं एंड डॉक्टर सुभाष जी, और कोई मेडिकल इश्यूज होगा तो मेडिसिन इतनी हेल्पफुल है होम्योपैथिक की, आप बिलीव करिए, मेरी मदर का यूरिन आउटपुट बंद हो गया और एडवांस थी लिवर सिरोसिस थी, तो डॉक्टर साहब को फोन करके डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को दवाई फोन बतानी बेटा ये दवाई दे, और इतनी सीरियस से सीरियस प्रॉब्लम को हमें हमारे को उन्होंने बचाया है। तो मैं सर के हमेशा कॉन्टेक्ट में रहूंगी सर,
इनको मैं इनकी डिटेल्स में एस्ट्रोलॉजिकली मैं एनालिसिस करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, फिर आपसे कुछ मैं सलाह करूंगी, आप इनके लिए कोई मेडिसिन जैसे भी जितना भी हो सकेगा हम करेंगे। और वैसे तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं है, बट सर अवेलेबल है हमारे लिए, और सर चैरिटेबल डीड्स के लिए अपने आप ही काफी कुछ कर रहे हैं, तो सर हेल्प करेंगे हमें, और मैं भी कोशिश करूंगी सबको बताऊंगा। हाँ जी सर, मैम हमारे पंडित जी ने बोला था मम्मी को पन्ना पहनाने के लिए चांदी में। तो मैंने बोला ना सर, मैंने बोला बुध कमजोर है, देखिए पन्ना इसका इफेक्ट मैं बता देती हूँ इसका भी क्या है। मैं बता देती हूँ, देखिए चंद्रमा उनका वीक है, चंद्रमा उनका वीक है, बुध कमजोर है इनका, आप उसके लिए जो पन्ना बोला है ना, मैंने आपको बुध का नाम बताया है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे, उसके लिए सर हम क्या करेंगे, पन्ना की जगह आप इसका जाप करो, क्योंकि ये जो जेमस्टोन का, मैं जब तक आप उस चीज के बारे में नहीं जानते कितनी तरह के जेमस्टोन्स आते हैं उसमें क्या नहीं है, आप जाप करवाइएगा, उससे आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। देखिए बुध तो इनका आज का खराब नहीं है, वो पत्री से मेरे को पता चलेगा, अभी का जो पर्सनल ईयर आ रहा है ना वो अच्छा नहीं है। और हनुमान जी इस आप हनुमान बाहु का पाठ करिए 21 दिन तक, आप मेरे को बताइएगा रिजल्ट में आराम आया या नहीं आया। ठीक है चलिए, इसके बाद आप इसके फोन पर टेस्ट ले लीजिएगा सर। क्या बताया आपने, हनुमान बाहु का पाठ? ठीक है मैम, क्या लाइफ का भी थ्रेट है क्या इस साल? हाँ जी, लाइफ का भी थ्रेट है क्या इस साल? नहीं वो मैं नहीं बता पाऊंगी सर, लेकिन हाँ थोड़ा हेल्थ के ऊपर प्रश्न है, ये पक्की बात है, आपको अलर्ट रहना है, और वो आप मेरे से बात करिएगा, मेरे को पत्री भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी, मैं आपको बता दूंगी सर। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा चलिए जो आप इसके बाद हम चलते हैं। यस मंजू मैम बताइए, मैं अपनी क्लास शुरू करूंगी नहीं तो क्लास नहीं रह पाएगी। सर ने बताया मदर बीमार है तो मैंने ले लिया, आप मेरे को भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगी इसको, आप चैट पे भेजिए मेरे को, कल मेरे से बात कर लीजिए 1-3 के बीच में, आप कल मेरे से बात कर लीजिएगा, सभी लोग भेज दीजिए जो अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम, मैं भेज दीजिएगा। ठीक है आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं, बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास है हमारी ये, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको हम निकालते हैं शेयर स्क्रीन पे, देखिएगा इसमें अब देखिएगा ये हमारा जो चार्ट है इसको हम लगन कुंडली कहते हैं, ये हमारा जो है लगन कुंडली वाला चार्ट होता है, इसको लगन कुंडली बोलते हैं, ऊपर एस्ट्रो वास्तु रेमेडी लिखा उसको आप छोड़ दीजिए, जो ये चार्ट है इसको हम लगन कुंडली कहते हैं। ठीक है इसमें 12 खाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 खाने हैं, इन 12 खाने को हम 12 हाउसेस भी बोलते हैं, 12 हाउसेस है। ठीक है और इनको भाव भी बोलते हैं हम, ये 12 भाव है या 12 घर है। ठीक है ये फिक्स रहते हैं, ये चेंज नहीं होते, और एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हैं, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है। ठीक है और सेकंड चीज क्या है, पहला जो घर है, अब देखिए ये जो नंबर लिखे है ना ये घर के नंबर नहीं है, ये राशियों के नंबर है, तो लिखिएगा आप सभी लोग पेन पेपर ले लीजिए, लिख लीजिए, पहले नंबर जो है उसको कहते हैं मेष राशि, दूसरा नंबर है वृष राशि टॉरस, तीसरा है मिथुन राशि, चौथा है कर्क राशि, पांचवा है सिंह राशि, छठा है कन्या राशि और सातवां है तुला राशि और आठवां नंबर है वृश्चिक राशि
और नौवा नंबर है धनु राशि सेजिटेरियस, दसवां है आपका मकर राशि कैप्रिकॉन, और ग्यारह नंबर है कुंभ राशि, और बारह नंबर है मीन राशि। ठीक है, तो जो वन नंबर है मेष राशि, उसके स्वामी है मंगल। मेष के सामने लिख लीजिएगा स्वामी मंगल। वृष राशि जो टॉरस है उसके स्वामी है शुक्र, और थ्री नंबर की जो राशि है वो है मिथुन राशि, जेमिनी इनके स्वामी है बुध, और जो चौथा नंबर है कर्क राशि है इसके स्वामी है चंद्रमा, पांचवी राशि है सिंह राशि इसके स्वामी है सूर्य, और छह नंबर बुध मैंने लिखवाया था, ये आपकी कन्या राशि है इनके स्वामी है बुध, सात नंबर तुला राशि है इनके स्वामी भी शुक्र है, और आठ नंबर वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल है, नौ नंबर धनु राशि स्वामी इनके गुरु, दस नंबर मकर राशि स्वामी है शनि, ग्यारह नंबर कुंभ राशि इनके स्वामी है शनि महाराज, और बारह नंबर मीन राशि इनके स्वामी है गुरु। अब आप इसको जो आपने लिखा उसमें देखिएगा, दो राशियों के स्वामी मंगल आ रहे हैं, एक और आठ के स्वामी मंगल आ रहे हैं, है ना, इसी तरह से दो और सात के स्वामी शुक्र आ रहे हैं, तीन और छह के स्वामी बुध हैं, चार चंद्रमा, पांच सूर्य, ये दोनों एक एक है, इनके मालिक के पास एक एक राशि का अधिकार है, और नौ और दस जो है, नौ और बारह जो है वो गुरु, दस और ग्यारह जो राशियां हैं वो शनि की राशि है। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये सब क्या है, राशियां हैं। अब मान लीजिए जैसे ये जो राशियां हैं ये रोटेट होती रहती है, मान लीजिए यहाँ पे एक ना होके पांच नंबर लिखा हुआ है, तो पांच नंबर की कौन सी राशि हुई, सिंह राशि, और ये जो पहला हाउस होता है इसको हम बोलते हैं लगन। पहला हाउस हमें क्या दिखाता है, हमारे पर्सनैलिटी, हमारे बारे में कि हम कौन है, हमारी पर्सनैलिटी कैसे है, हमारे ट्रेट्स कैसे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है, प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व है या नहीं है, रंग कैसा होगा, ये सब हाइट वेट आइडिया लग जाता है, मोटा है पतला बंदा, ये सब पता चलता है आपको फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस हम खुद है, ठीक है। सेकेंड हाउस होता है कुटुंब का, वाणी का, कुटुंब परिवार वाणी और खाने पीने की हैबिट्स का भी होता है। देखिए कई लोगों को बहुत ही मसालेदार चीजें पसंद है, वो घर में खाते हैं तो फ्राइड ही खाना है, मसालेदार चीज ही पसंद आती है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे प्लेनेट, यहाँ पे कौन सी राशि है, या अगर कोई प्लेनेट यहाँ पे बैठा है तो उसका, उसके ऊपर किसी की दृष्टि है, तो ये सब चीजें हमें पता चलेंगी सेकेंड हाउस से। क्या क्या पता चलेगा, कुटुंब वाणी परिवार खाने पीने की हैबिट और धन का भाव भी आएगी, यानी कि 11 नंबर आय अर्जित करने का भाव है और 2 नंबर हमारी तिजोरी का भाव है। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा घर होता है हमारा पराक्रम का, कितना करेज है बंदे के अंदर, कितना जुझारू व्यक्तित्व है उसका, कितनी कर्म शक्ति उसकी अच्छी है। छोटे भाई बहनों का घर होता है, हमारे कम्युनिकेशन का घर है, सोशल मीडिया का घर है। अब चौथा घर होता है माता भूमि भवन वाहन का घर होता है, अगर माँ से रिलेशनशिप देखनी है तो फोर्थ हाउस देखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं या शनि की दृष्टि पड़ गई यहाँ पे, और शनि आपका अच्छा नहीं है, मान लीजिए एक नंबर ही राशि है मंगल, तो मंगल और शनि में आपस में मित्रता नहीं होती है,
मित्र नहीं है, और मंगल के यहाँ पे अगर हमारा लग्न क्या है, मंगल है ना, ये वन नंबर की राशि है, यानी कि हमारी मेष राशि है, यानी कि हमारा मेष लग्न के व्यक्ति है हम, और शनि उनका एनिमी है मंगल का, वो मैं भी नेक्स्ट उसमें बताऊंगी आपको। तो अगर शनि फोर्थ हाउस में आ जाएगा, चंद्रमा के घर में आ गया, तो विष दोष बन जाएगा, ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। अब देखिएगा, पांचवा घर होता है संतान का, विद्या का, तंत्र विद्या का, पिछले जन्म के कर्मों का रिजल्ट जो मिलता है पास्ट। हाँ, अगर कोई पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहे तो फिफ्थ हाउस से पता चलती है हमें, ठीक है। इसके बाद और हमारा संतान का भी यही घर है, विद्या का भी यही है, तंत्र विद्या मंत्र विद्या किसी को सीखनी हो तो वो है, ठीक है। इसके बाद छठा घर होता है ऋण, ऋण रोग शत्रु का। सातवां घर होता है लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का। आठवां घर होता है, इसको बोलते हैं आठवां घर पताल। पताल यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, हिडन सीक्रेट्स, इनलॉज का घर होता है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कहीं से मिलनी हो, आठवां घर उस चीज के लिए होता है। आठवें घर में बैठे ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, बट आपको एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका में चार या पता नहीं कितने प्लैनेट्स आठवें घर में ही बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, हम ब्लाइंडली नहीं कह सकते हैं, आप समझ रहे हैं। अगर आठवां, तीन घर होते हैं छठा घर, आठवां घर और बारहवां घर, तीनों घर अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी बैठ गया तो उसका गलत है, वो देखते हैं कि कौन से घर का मालिक कहाँ बैठा है, ठीक है। मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए एक नंबर की राशि है मंगल, एक नंबर का स्वामी मंगल है, मंगल बैठ गए आठवें घर में, आठ नंबर के राशि भी के मालिक भी मंगल है, तो मंगल स्वराशि के हैं, ठीक है। अच्छा, और देखिएगा नौ नंबर में भाग्य देखते हैं हम, धर्म, लंबी दूरी की यात्राएं जिसमें विदेश यात्रा भी हो सकती है, भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, पिता का भी स्थान है। पिता का स्थान तब तक है जब तक आप अनमैरिड हैं, ठीक है। और जब टेंथ हाउस से भी पिता का देखते हैं हम, और टेंथ हाउस होता है हमारे कर्म का, स्टेटस का, हम क्या प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है टेंथ हाउस से। और इलेवेंथ हाउस से हमें पता चलेगा हमारी आय, लार्ज फ्रेंड सर्कल और बड़े भाई बहनों का घर होता है। आपको बड़े भाई बहन से सुख मिलना है या नहीं मिलना, कईयों के बड़े भाई होते हैं प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, और कईयों के बड़े भाई इतने अच्छे होते हैं वो कहते हैं कि छोटे भाई को बेटे जैसा मानते हैं, तो उनकी गलती नहीं है, ये सब हमारे ग्रहों का चाल है। इलेवेंथ हाउस जो है, इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप विद एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, इट इज अ कारकत्व सिग्निफिकेटर ऑफ आर इनकम और हमारी डिजायर्स, इच्छा पूर्ति का घर है। ग्यारहवा, किसी भी तरह की इच्छा हो हमारी, इच्छा पूर्ति का घर है। और बारहवा घर होता है एक्सपेंसेस का, और हॉस्पिटलाइजेशन का, आइसोलेशन का, और संन्यास का, विदेश में सेटल होने का, ठीक है, और एसाइलम का। तो बारहवा घर भी खर्चे दिखाता है सारे, जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा वो खर्च होएगा। अब देखिएगा आप सब लोग, एक इंटरेस्टिंग टिप दे रही हूं, देखिएगा बारहवें घर में किसका वीनस बैठा है। शुक्र क्या है, भोग विलासता का प्लेनेट होता है, अगर यहाँ पे आ गया तो क्या करेगा, अपने ऊपर खर्च करेगा, अपने ऊपर खर्च करेगा वो, ठीक है। तो वो बारहवां घर जो होगा वो खर्चों का दिखाता है। अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए, अब मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी आप सीखिए एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये विद्या आपके लाइफ के सारे फियर खत्म कर देती है। बट क्लियर क्या होना चाहिए, आपको वहां से विद्या लेनी है जिसके लिए, देखिए पैसा हर कोई कमाता है, पैसा आनी जानी चीज है, लेकिन विद्या वहां से लीजिए जो आपको प्रॉपर ढंग से आपको चीज समझा पाए, आपका फियर निकल जाए, आप किसी भी
देखिए हर इंसान रोजी रोटी के लिए काम करता है, ठीक है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देके कुछ अर्निंग करते भी है उसमें गलत भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि हम कैसे जज करें कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। अब हम कैसे जज करें कि हम कहां जाएं, किससे बात करें, किससे अपने पत्नी को दिखाएं जहां से हमें सही राय मिले। वो आपकी कॉन्शियस उस चीज को आपको अपने आप रास्ता देगी कि आप यहां जाओ, इससे सीखो। जहां पे आपकी कॉन्शियस आपको जवाब दे आप वहां जाइए सीखने के लिए। और ये प्रण करिए कि मैंने किसी को एक किसी के साथ अगर पल्ला पकड़ा है तो मेरे को बार बार एस्ट्रोलॉजिकल भटकना नहीं है। और मैं एक चीज बता देती हूँ, एक और भी है प्रॉब्लम। मान लीजिए हमारा समय खराब चल रहा है, ठीक है, एक पंडित को पत्री दिखाई, अब उसने हमें कुछ नेगेटिव चीज बताई, कुछ पॉजिटिव बताई। तो जो पॉजिटिव बता दी वो तो बढ़िया हो गया, अगर उसने नेगेटिव बता दी, मतलब मैं दोनों का पर्सपेक्टिव ले रही हूँ। नेगेटिव पत्नी उसने देखी तो कहेंगे यार ये तो गलत ही बता रहा है, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो हम उस नेगेटिव को सुनने को तैयार भी नहीं होते। हम क्या सुनना चाहते हैं? अच्छा सुनना चाहते हैं। तो अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि वो अच्छा ही अच्छा बताते हैं। वो कहते हैं कि बुराई क्यों मोल लो, अच्छा सा बता दो, वो खुश रहेगा, कस्टमर खुश तो दूसरी बार भी आएगा पूछने की हाँ ये वाले पंडित जी अच्छे हैं, ये तो हमेशा बड़ा सही बताते हैं। आप समझ रहे हो? तो हम सही और गलत के बीच में हम जज नहीं कर पाते। और इसका उल्टा भी है, कई ऐसे हैं जो हमेशा नेगेटिव में बताएंगे, वो डरा के काम कराएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में लोगों का विश्वास क्यों नहीं, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है लेकिन लोगों का विश्वास क्यों नहीं बन पाता, उसमें दोनों साइड से गड़बड़ है। कहीं पे सीखने वाले की गड़बड़ है, कहीं पे सिखाने वाले की गड़बड़ है। तो वो हमें अपने कॉन्शियस को अलर्ट करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए कि ईश्वर हमें ऐसा कोई गुरु दे, ऐसा कोई टीचर दे जो हमें सही राह पे लगाए, जिससे हम आगे बढ़ पाए। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो फिर आप सबसे बड़ा गुरु हमारा ईश्वर है, फिर सब कुछ छोड़ दो, पत्रियां वत्रियां एनिमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सब कुछ छोड़ के फिर उस ईश्वर पर ध्यान लगाओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे इष्ट देव कौन बनते हैं देखिएगा। आप इष्ट देव से जो मांगोगे आपको मिलेगा। ये कलयुग है, यहाँ पे मंत्र विद्या इतनी स्ट्रॉन्ग, वैदिक मंत्रों का जाप अंटिल और अनलेस जो पूजा कर रहा है वो बहुत प्योर पर्सन हो, उसके बहुत सख्त नियम होते हैं पूजा पाठ करने के। अगर वो खुद ही प्योर नहीं है, वो खुद ही ठीक नहीं है, उसकी हैबिट्स खुद ही ठीक नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए पूजा पाठ कर रहा है, उस पूजा का आपको असर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कलयुग है। तीन तरह की विद्याएं होती हैं, एक होती है मंत्र विद्या, एक होती है तंत्र विद्या और एक होती है शाबर मंत्र की विद्या। आजकल कलयुग में अगर काम करती है तो तंत्र विद्या काम करती है। अब क्या है तंत्र विद्या के लिए, तांत्रिक के पास जाओगे तो आप देखते होंगे एड में, कितना एड सुनते होंगे फेसबुक पे, आता रहता है कि वशीकरण करवाएं, ये करवाएं। अब हर तरह के लोग हैं तो उसके लिए तो मैं आगे नहीं जाऊंगी, फिर अननेसेसरीली बात बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन तंत्र विद्या काम करती है। लेकिन अगर तांत्रिक आपको गलत मिल गया तो आप सारी उम्र रोते रहोगे, पूरा घर खाली हो जाएगा, हम सोचेंगे कौन सी बुरी घड़ी थी जो हमें कोई पल्ले पड़ गया। तो वी कांट से कि कौन सही है नहीं है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सब कुछ छोड़ दो, किसी के पास मत जाओ, इन चक्रों में पड़ो ही मत। पर क्या होता है कि जब मैं एक चीज और भी बोलती हूँ, अगर जिनका समय ठीक चल रहा है उनको पत्नी नहीं दिखानी चाहिए। जैसे मैडम कह रही थी, मैडम आपने मेरी पत्नी देखी नहीं, एक मैडम और आई थी उन्होंने दो तीन बार पिंग किया उसके बाद भूल गई। अरे मेरे को याद है, मैं तो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर आपकी पत्नी ठीक है, आपका समय ठीक चल रहा है तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हुए आप पत्नियों के चक्कर में मत पड़ो। जब समय ठीक है, आदमी कब पड़ता है पत्नियों के चक्कर में, जब समय खराब होता है, जब आदमी परेशान होता है। और काफी सारे एस्ट्रोलॉजी में जो लोग आसी रेट में आए वो आए इसी वजह से हैं, उनको एक क्योरसिटी रहती है। लेकिन अगर आप पत्नी में जाते हैं तो फिर एक अपना गुरु का सिलेक्शन करिए और उस ईश्वर से प्रार्थना करो कि कहते हैं ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। तो उस बलिहारी उस प्रभु से कृपा का आशीर्वाद मांगो कि मेरे को कोई ऐसा रास्ता दिखा जिससे मैं अपनी जिंदगी को आराम से चला पाऊं, ठीक है। अब देखिए बारहवां घर, अब जैसे मान लीजिए किसी ने आपके बारहवें घर की दशा चल रही है
और किसी ने आपको बोल दिया ये प्लेनेट है उस समय एक्टिवेट है अंतरदशा में महादशा में, किसी ने आपको बोल दिया जी आपका तो जेल जाने का योग है, आपकी तो रातों की नींद उड़ गई कि भैया जेल जाने का योग कैसे बन गया। आप देखिए जेल जाना क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी ठुक गई, आपसे ठुक गई, आपने ठोक दी और वो जी किसी की डेथ हो गई या कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई, आपको जेल जाना पड़ गया। तो देखिएगा आप एक चीज बहुत ध्यान से समझने की है, ये कोई आपको इतना डिटेल में कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, एक घर बहुत सारी चीजों को बताता है। अगर ये वाला घर एक्टिव हो गया ये विदेश यात्रा भी बताता है आपकी, ठीक है, और ये आपके हॉस्पिटलाइजेशन को भी बताता है। अगर कोई ओल्ड एज में है उसका ये वाला घर एक्टिव है तो समझ जाइए हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ गई। तो संदीप जी जो मैंने आपको उपाय बताए हनुमान जी के, ये वंडर्स करेंगे, उपाय करके देखेगा, ठीक है। इसके अलावा ये घर हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा ये घर खर्चे का भी है, और किसी का सेवेंथ एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस की कोई कनेक्टिविटी हो जाए, यानी कि सात नंबर शुक्र, आठ नंबर मंगल और बारह नंबर गुरु, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा, इसमें अगर कोई भी आपस में कनेक्टिविटी होगी और मार्केश की दशा चल रही होगी तो समझ जाइए कि हॉस्पिटल जाने का समय आ गया, या इस समय ऐसा है तो कोई भी बुजुर्ग हो तो उसके हाथ से एक चीज और है, गौदान जरूर कराना चाहिए। लेकिन अब पंडित हैं वो कहते हैं जी एक गौ तो 60,000 की आती है, तो गौदान कराने वाले लोग भी ठीक नहीं मिलते हैं पंडित वगैरह, तो उनके हाथ से जितने भी बुजुर्ग हैं जब भी उनका बर्थडे आए उनके वजन के बराबर, जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं जब जब आपका बर्थडे आए अपने वजन के बराबर आप सलाह करके किसी से आप तुला दान जरूर करिएगा। जैसे अगर किसी का सूर्य अच्छा नहीं है तो उनको बोलूंगी कि गेहूं के अपने वजन के बराबर गेहूं लीजिए उसका आप दान करिए, किसी का चंद्रमा अच्छा नहीं है तो उसको बोलूंगी आप चावल का दान कीजिए। आप इस तरह से आपको बहुत सारे टोटके रेमेडीज आपको मिल सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें रेमेडीज भी हैं, बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स है जिसमें मेन एम्फेसिस मेरा रेमेडीज के ऊपर है, जिससे कि आप भटके नहीं इधर उधर ना जाए और आप उस चीज को विश्वास के साथ करो आपके काम बनेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल सेवेंथ हाउस मार्केश भी होता है, मारक ग्रह भी होता है और सेवेंथ हाउस लाइफ पार्टनर का भी होता है, ठीक है। अब देखिएगा आठवें घर में अगर मंगल आ जाए तो विडोहुड का योग बनाता है, आठवें घर का मंगल जो है बेटी हो लड़की हो उसके लिए विधवापन का योग बनेगा अगर मंगल इस घर में आ जाता है, ठीक है। तो हमें फिर पता चल जाता है कि हमें अलर्ट रहना है, तो जब हम पत्नी मिलाते हैं तो हम ढंग से मिलाते हैं, उस चीज के उपाय कराते हैं, ये सब चीज हम एस्ट्रोलॉजी में सीखते हैं, ठीक है। अब ये तो था आपको मैंने बताया कि ये अलग अलग स्वाम घर हैं और ये इनके अंदर बैठी हुई राशियां हैं, और तीसरी चीज इन सब घरों के मैंने आपको कारकत्व तो बताया कि पांचवा घर क्या बताता है, पांचवें घर का कोई प्लेनेट की एट्थ घर से कनेक्टिविटी बन जाए, पांचवा घर होता है रोमांस का, लव अफेयर का, एट्थ घर होता है हिडन एक्टिविटीज का, तो आप इमीडिएट पता कर सकते हैं यंग एज का बच्चा है कहीं गलत चीजों में तो नहीं भटका, जैसे ही आपने चार्ट देखा आपको इमीडिएट पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चा जो है ये ठीक रास्ते जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कल की क्लास में पढ़ेंगे, अभी कुछ दिन हमारी ये फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लास है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, और इसमें हम पढ़ेंगे कल की क्लास में कि इनकी डिग्रियां होती हैं, नौ प्लैनेट्स है ना तो प्लैनेट्स की डिग्रियां होती हैं, तो अगर डिग्री ज्यादा है या कम है तो उसका क्या इफेक्ट है, वो डिग्रियों के बारे में स्टडी करेंगे और राशियों के बारे में स्टडी करेंगे, वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम दूसरी क्लास लेंगे एस्ट्रोलॉजी की, उसमें हम और बहुत सारी चर्चा करेंगे, और उसके बाद थर्ड क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, फिर हम इस तरह से आगे चलते चले जाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है देखिएगा, मैंने एक चीज नोट करी आज से नहीं, बहुत महीने हो गए मुझे करते हुए क्लासेस लेते हुए, लोगों का लोग आते हैं सिर्फ एक ही मोटिव से आते हैं कि फ्री में क्वेश्चन का आंसर पता चल जाए, भाई फ्री में मिल जाए। अरे फ्री में ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी लिमिटेशन तो देखो, एक आदमी कितना फ्री में देगा, मैं दिन में 10 पत्री देख लूंगी, 15 देख लूंगी, कितनी देख लूंगी फ्री में, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली है, मेरे को पढ़ाना भी है, मैं पढ़ती भी बहुत हूँ, मेरा पढ़ने का बहुत टाइमिंग्स है, मैं रात को 2-3 बज जाते हैं मेरे को अपनी स्टडी करते हुए, और ये ऐसी ललक है एस्ट्रोलॉजी की, एक बार आप एंटर कर जाएंगे तो आपका एग्जिट नहीं है,
लेकिन इससे आपको आने वाले टाइम का सर्दी, इससे स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत जबरदस्त होती है। आपका माइंड जो है ना, आपको सब समझ आने लग जाता है कि हाँ, जो हम इधर उधर भटक रहे हैं, हम किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाएं, हम कोई डिप्रेशन की दवाइयां खाएं, उससे तो अच्छा है कि हम जो है अपना एस्ट्रोलॉजी सीखें। अच्छा, एक चीज और है, आठ मैडम समझ आ जाए, इसमें कुछ समझ आ जाए तो मन को शांति बहुत मिलती है। हाँ जी सर, ये बिल्कुल है सर, जो मेरी आज शक्ल दिख रही है ना, आज से 3 साल पहले आप मेरी शक्ल देखते। खैर, कर तो मैं बहुत समय से रही हूँ, लेकिन जब मेरे फादर बीमार थे, दिन रात हम सब बहन भाइयों को एक बराबर था, ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने कितना मतलब कौन से कर्मों की सजा काट रहे थे हम। क्यों, 7:30 शनि चल रहा था मेरा, चंद्रमा मेरा नीच का था, ठीक है, मंगल की महादशा मार्केश की चल रही थी। अब दशा तो मार्केश की अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य मेरा 19-20 खराब रहता है, लेकिन रास्ता मिल गया मेरे को। तो अच्छा देखिएगा, किसी का 8th हाउस एक्टिवेटेड है, 12th हाउस है, 8th हाउस हिडन गुप्त विद्याओं का भी है। तो अगर 8th हाउस क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, ऐसे ही निम्नलोजी में जो 7 नंबर वाले हैं, देखिए मैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लू ना यहाँ पे, तो सारे ही मेरे को 3-7 वाले लोग मिलेंगे। कोई ना कोई ऐसी कनेक्टिविटी होगी, या तो गुरु का नंबर आएगा, या केतु का आएगा, या शनि की महादशा होगी, वही इस लाइन में आएगा। देखिए मेरे पास 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ आज की डेट में, और उसमें से कुछ ही लोग आए। रीजन भी उसका रीजन क्या है कि जिनकी कनेक्टिविटी ऊपर वाला मिलाएगा, मेरे को कोई ज्यादा बंदे इकट्ठे करके, मेरे को ये तो है नहीं कि मेरे को कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, बस इतना है ईश्वर की कृपा से मैं बिजी रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स हूँ, मैंने 2020 में जॉब छोड़ी, 21 साल नौकरी की है मैंने, अब मैं इसी में ही अपना डूब गई हूँ। तो मैं कहते हैं ना, एक और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने डाली थी, बहुत अच्छा मेरे को लगा, इस चीज को आप अप्रिशिएट करेंगे अगर आपको समझ में आएगा। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ में आई तो मेले में अकेला। आप नोट कर लीजिए लाइनें, सभी के लिए बोल रही हूँ, जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, यस मैम, यस मैम, है ना, और ना समझ आई तो मेले में अकेला, तो मेले में अकेला। तो आप देखिएगा कितना बड़ा ट्रुथ है जिंदगी का। तो जिस दिन हमें ये ट्रुथ समझ में आ जाएगा मैडम, उस दिन हम आसमान पे होंगे, और ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा, और फिर हमें किसी की परवाह नहीं है। देखिए मुश्किल परिस्थितियां भी आएंगी, खराब भी आएंगी, अब हस्बैंड वाइफ में से एक ने तो पहले जाना ही है, तो अपने मन को प्रिपेयर करना है, अगर अकेले रहना पड़े या अकेले पहले जाना पड़े। ये तो है नहीं कि दोनों इकट्ठे जाएंगे, और पर यह है कि अपनी लाइफ को इस तरह से प्लान करके चाहिए, बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहना। अपना बच्चा कितना सगा क्यों ना हो, कितना प्यारा क्यों ना हो, अपने बच्चों पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना। कौन कब क्या रंग दिखा दे आप नहीं कह सकते, आप उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म खराब होंगे तो बच्चे की पत्री में ऐसे योग आ जाएंगे। जो बच्चा आपके बिना पानी नहीं पीता था, वो बच्चा आपको मारने तक तो उतारू हो सकता है। अब उनका वो है ना, सिंघानिया जी, कितने करोड़ की प्रॉपर्टी, आज भी न्यूज़पेपर में या कहीं में पढ़ रही थी, आज बेघर है, बच्चे प्रॉपर्टी सारी बच्चों के नाम कर दी थी उन्होंने, आज किराए के घर में रह रहे हैं, बेघर है वो। गौतम सिंघानिया मैडम। हाँ जी, गौतम सिंघानिया। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं बता रही हूँ। तो अपने अपनी देखिए बुढ़ापे में इतना जरूर कर लेना, चाहे आप अपने एक कमरे की कोठरी हो, मियाँ बीवी अपने एक कमरे में घर में रह लो, जितना हो सकता उतना कर लो, लेकिन बच्चों पे डिपेंडेंस बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी तो आप पढ़ेंगे, उसके साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं क्लास में बताऊंगी, और टू द फुलेस्ट जितना मेरे से हो पाएगा, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करें, चाहे आप न्यूमरोलॉजी करें, चाहे आप एडवांस न्यूमरोलॉजी करें, चाहे आप कृष्णमूर्ति, मेरे पास कई सारे उसमें ब्रांचेस हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति वो सिस्टम है, जब आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी तभी आप कर पाएंगे, लेकिन वो कृष्णमूर्ति पद्धति उसी को करनी चाहिए जिसको प्रोफेशनली आगे काम करना है एज ए एस्ट्रोलॉजर। अगर आपने सिर्फ अपने लिए देखना है, अपने लाइफ को नेविगेट करना है, तो मैं सोचती हूँ कि आप एडवांस एस्ट्रोलॉजी विद रेमेडीज कर लीजिए, या आप न्यूमरोलॉजी कर लीजिए। तो दोनों में ही फायदा है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देती है और ईजी है, सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी से भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, जिससे आपको लाइफ में लगेगा हाँ मैंने कुछ जिंदगी में कुछ समझा है।
ठीक है। इसके साथ ही कल की क्लास में हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे और डिग्री के बाद इनकी दृष्टियां पढ़ेंगे, प्लैनेट की, प्लैनेट्स के क्या कारकत होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे, कल इस चीज को देखते हैं हम। तो इसके साथ ही आज समय हो चुका है 1 घंटे से ऊपर, तो मैं कल, आप जरूर मोस्ट वेलकम कल आइए क्लास में, और सिर्फ छोटी इच्छाएं लेकर मत आइएगा वेबिनार में कि फ्री में क्वेश्चन पूछ लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। आज एक वेबिनार, अब क्या रिवाज हो गया, आज एक वेबिनार में आते हैं, कल दूसरे में जाते हैं, परसों तीसरे में जाते हैं, और तीनों से आंसर पूछते हैं। एक मैडम है कोई मेरे साथ साल भर से जुड़ी हुई है, 3 बार अपनी पत्नी दिखा ली, तो आप देखिएगा मुझे लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ, और वाकई मैं हूँ, ये भी बता दूं मैं बेवकूफ। 3 बार मेरे से उसने पत्री दिखाई है, और हर बार मैं क्वेश्चन पूछती थी वेबिनार में, मैंने तसल्ली से सारे आंसर बताए। उस दिन आई मेरे को कह रही है मैडम आपने 2 तो देख ली थी 3 देख ली थी अब मेरे इसकी भी देख लो। मैंने कहा मैडम आप 3 बार मेरे को दिखा चुके हो, आप मेरे से बहुत पुराने जुड़े हुए हो, तो अपने आप भी सोचो मैं किसी को क्या बोलूंगी, क्या मन में शर्म नहीं आती मुझे कि मैं किसी को बोलूं कि भाई आप मेरा फ्री में देख लो, 1 बार देख लो, 2 बार देख लो। और एक बार मैडम आई कहती है बस ये बता दो मेरा विदेश जाने का योग है कि नहीं है। मैंने उनकी पूरी पत्नी खंगाली, आधा घंटा लगाया मैंने उनको समझाया, कह रही नहीं एक्चुअल में ना आप मेरे हस्बैंड की भी लो और मेरे दोनों बच्चे भी हैं। तो मैंने चारों की पत्नी देखी थी और चारों की पत्नी देखने में मैंने 2 घंटे आराम से लगाए। कह रही मैडम आप बहुत अच्छे हैं, आपने कोई चार्ज भी नहीं लिया और आपने, मैंने आपके जैसा बंदा, अरे बंदा तो नहीं देखा लेकिन तुम बंदे को तो बेवकूफ ना बनाओ। तो ऐसे लोग भी आते हैं ना, तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ठीक है। हम अब मैंने ये सोचा कि हमें अपना कर्म करना, हमने बढ़ना है, आप सीखे तो बहुत अच्छी बात, नहीं सीखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 5 जो भी मैं क्लासेस आपको दूंगी इसमें भी बहुत कुछ सिखा के भेजूंगी आपको, इतना सीख लोगे कि आपकी लाइफ में जो फियर, जो एंजाइटी है, एक तो वो निकलना चाहिए, दूसरा आपने जगह जगह एस्ट्रोलॉजर्स को पैसे नहीं बांटने हैं, ये है। आप पत्नी मिलाना भी सीख लोगे, बच्चों की शादी करनी है पत्नी खुद मिलाओ, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना है आप खुद मिलाओ। आपके घर में देखिए, कल मैं एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैंने कम से कम 40-50 चार्ट थे, जिसमें से अभी मैंने 8-10 ही पढ़े हैं। उसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैंने ऐसे चार्ट देखे जिसमें ये पता चलता है कि कौन सा बच्चा एडिक्शन हो सकता है उसको ड्रग्स का, ड्रग्स के एडिक्शन के बारे में मैंने पढ़ा, और ये इतना कॉमन है आज की डेट में, इतना कॉमन है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिसके घर में, जिस लड़के के साथ प्रॉब्लम है, ना माँ बाप रात को सो सकते हैं ना दिन में जाग सकते हैं, इतनी हालत खराब हो जाती है। एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट से प्रेडिक्शन होता है, और उसके रेमेडीज करो, उपाय करो और रिजल्ट मिलेगा। और अंक विद्या तो इतनी सिंपल है, अंक विद्या में जो उपाय दे दिए संजीव जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी मदर का बुध खराब है, ठीक है। एक चीज और बताइएगा, एक सेकेंड में आपको एक एग्जाम्पल और देना चाह रही हूँ उसमें। में आपकी मदर का 2018 कैसा साल था? 2018 नॉर्मल मैम, आज बढ़िया नहीं, डायबिटीज ब्लड प्रेशर की मरीज है। आप अच्छा एक काम करिए, कल तो आएंगे आप, जरा स्टडी करना और मेरे को बताना कौन से पर्टिकुलर ईयर में उनको ज्यादा प्रॉब्लम आई है, ठीक है मैम। लेना मम्मा से आप पूछ के मेरे को बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ईयर उनके आगे खराब निकलेंगे, ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है, और कौन से ईयर अच्छे रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप सब भी कर सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन हो जाता है, तो हम थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं है, और उसके हाँ जी सर, हनुमान बाहु की बुक कहाँ मिलेगी? हाँ जी, हनुमान बाहु का पाठ कहाँ मिलेगी मैम? बुक बाजार में मिल जाएगी? सर यूट्यूब पे निकालो, अच्छा उसको सुन लेना, उसमें लिरिक्स भी आते हैं, लिखा हुआ भी आता है, वो आप करोगे 20 मिनट का पाठ है, इतना आनंद आएगा ना आपको, और कष्ट दूर भागेगा, बहुत विश्वास के साथ करिए और रिजल्ट देखिए। कलयुग में 2 ही दैवी शक्तियां हैं, एक हनुमान जी की और एक काली माँ, जो तत्पर हमारे लिए हेल्प करने के लिए तैयार है, और एक इम्पोर्टेंट ये हमारी कुलदेवी, सबको अपनी अपनी कुलदेवी का पता होना चाहिए, नहीं है तो आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछो आपके घर की कुलदेवी कौन है,
जिनके घर में पितृ दोष होता है ना, बच्चों की शादियां नहीं हुई, घर में ग्रोथ नहीं है, टेंशन है, अड़चन है, प्रोस्पेरिटी नहीं है, तो पितृ दोष आसानी से जाता नहीं है। तो और दूसरा, हमें अपने कुलदेवी को हमेशा खुश रखना चाहिए। हमारे अभी तो पार्टीशन के बाद सब पता पता चला, तो पहले भी बड़े बुजुर्ग थे, इतना नहीं पता चल जाता था कि हमारी कुलदेवी क्या है। तो लोग कुलदेवी के उसमें ना मेला लगता है, लोग जाते हैं वहां पे, उनका आशीर्वाद लेके आते हैं अपनी कुलदेवी का। एक ये करिए आप, और दूसरा जो है हनुमान बाहु का पाठ। बेटे ये सब दशाएं देख के बताती हूँ मैं, ये जो आप सागर जी, हाँ सागर जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ देखिए, आज मैं बातों में भूल ही गई, आज हमने जब ये क्लास शुरू करी उससे पहले हमने प्रार्थना नहीं करी, तो अब हम एंड में प्रार्थना कर लेते हैं जाते जाते, कि गणपति महाराज को नमस्कार करते हुए कि जो कुछ भी मैंने इस विद्या को दिया है आप सबको, और जो कुछ भी आपने ग्रहण किया है वो मानव कल्याण के लिए और हमारे अपने कल्याण के लिए, प्रभु हमें आशीर्वाद दो कि हम इस विद्या को सीख पाएं और अपना और दूसरों का भला कर पाएं, ऐसा कहते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, 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 ओम नमः इति। ये शुरू में करना था लेकिन गलती हो गई मेरे से, तो उनके उनकी आज्ञा के बिना हम काम शुरू करते हैं, तो काम उनकी आज्ञा लेनी है, हम उस प्रभु की आज्ञा लेके ही हमें इस काम को करना है, तभी हम इस विद्या को सीख पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कल हम मिलते हैं। हाँ जी मैम, शादी के बाद जैसे मायके में भी कुलदेवी हो और ससुराल में भी कुलदेवी हो, तो आप ससुराल की जो कुलदेवी होंगी उसको लेके चलें, जिस परिवार में आप रह रही है वहां की कुलदेवी आपका काम करेंगे। ठीक है, आप अपना सभी लोग अपने 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 नंबर डाल दिए, सबने नहीं डाले हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, मैं सबकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लूंगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में एंट्री नंबर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे को पर्सनल नंबर चेक करने हैं। तो आप अगर डालेंगे तो ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। बेटे सागर जी अपना फोन नंबर भी डालिए साथ में, फोन नंबर भी डालिए, 2 5 10 5 15 25 8 33 6, ठीक है, सभी लोग डाल दीजिए। मेघा जी आपने डाल दिया, दोबारा डाल दो आप, मंजू जी आप डाल दीजिए, आर्यल आप डाल दो, रजिंदर जी प्लीज डाल दीजिए, श्री शर्मा जी, नेहा मारवा जी, आप भी पहले आए हुए हैं ना मेरी क्लास में, नेहा मारवा, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलिए मैम, हाँ जी, अगर किसी को अपने कुल देवी का नहीं पता हो तो कैसे पता लगाते हैं? देखिए नेट पे पता करिएगा, इंटरनेट या आपको इंटरनेट से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग होंगे ना फैमिली, हाँ कोई ना कोई होंगे, उनसे पूछिएगा आपका ओरिजिनेशन कौन से, जैसे अगर आप पाकिस्तान से इधर आए हैं पार्टीशन के बाद, तो आपके कोई बड़े बुजुर्ग वो बताएंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वहां से पता चल जाएगा, या अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग इंडिया में रह रहे थे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा, ढूंढने से मिल जाएगा, हमारे दादाजी के दादाजी पाकिस्तान से सरगोधा से आए थे हरिद्वार, अस्थियां प्रवाहित उस समय में, तो ये सब आपको कहीं ना कहीं से आप ढूंढेंगे ना आपको मिलेगा जरूर। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, आप सभी लोग डाल दीजिए, जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए करूंगी, बस इतना सा रिक्वेस्ट जरूर है, देखिए बिना एक्सप्रेशन के, बिना आप मेरे से विद्या लीजिए, लेकिन आप अपना कम से कम वीडियो तो ऑन रखिए, मेरे को ये तो पता चले कि आप कौन है, आपकी शक्ल क्या, आपके एक्सप्रेशन क्या है, कितना सीखने में इच्छुक है, तो ये एक अच्छी चीज नहीं होती है कि अगर आप किसी से सीख रहे हैं तो आप वीडियो ऑन करिए। श्री जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए, और बहुत सीखी अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है जितना लोग सीखते जाएंगे। आर्यल बेटे आपकी तो एज कम लग रही है, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका मैम? क्या मैं भी डालूं? हाँ सब डाल दो, सब डाल दो। हाँ आर्यल अनम्यूट करो। हाँ मैम, मैं नमस्कार, मैं नेपाल से हूँ मैम। हाँ देखो अब नेपाल से, नेपाल में तो रुद्राक्ष बहुत बढ़िया मिलता है। अपना फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ।
कोई बात नहीं, डेट ऑफ बर्थ बताओ, आपने क्या बताई? 1994 अक्टूबर 21st अक्टूबर 1994। यस मैम। क्या कर रहे हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ मैम। क्या कर रहे हो स्टूडेंट में भी? मैं अभी बैचलर डिग्री कर रहा हूँ जियोलॉजी में। जियोलॉजी सब्जेक्ट में। अच्छा, गुस्सा बहुत आता होगा आपको? हाँ बहुत है। ताकि ये हाँ तोड़फोड़ मचा दूँ जब गुस्सा आता है तो। ऐसा है लेकिन कंट्रोल भी होता है। क्यों होता है पता है? गुरु प्रधान व्यक्तित्व है आपका, बुद्धिमान है आप बहुत, ठीक है, और कैरियर में जितना पढ़ना चाहेगा उतना बढ़ेगा। कैरियर में जितना पढ़ना चाहेगा भाग्य का साथ मिलेगा, कैरियर बहुत होगा, हाईली इंटेलिजेंट है। शनि महाराज को खुश करो, थोड़ा सा अपना बुद्ध की भी आपको उपाय की जरूरत है, और बाकी एक मिनट को चार छह दस समय बहुत अच्छा है, जो काम करेगा अभी 5 साल तक तरक्की तरक्की रहेगी तेरी, रुकने वाला नहीं है, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, चलो ठीक है। इसी के साथ हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था कि ये जो आप ऐसे प्रिडिक्ट कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ लेके सब कुछ बता देते हैं कि ये प्लैनेट नहीं ठीक है, ये जो भी है, तो ये क्या न्यूमरोलॉजी कोर्स में भी सिखाया जाता है क्या ये? हाँ और क्या, न्यूमरोलॉजी तुम्हें सिखाया, न्यूमरोलॉजी में ही सिखाया जाता है, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी सबके लिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, आप एस्ट्रोलॉजी करोगे तो देखो एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाले आपको 4,000 में मिलते हैं, 60,000 में भी मिलते हैं। 60,000 खर्च करो, लाख खर्च करो, फिर भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपका चार्ट देखना पड़ेगा कि आप एस्ट्रोलॉजी के लिए आपका चार्ट सूट करता है या नहीं करता। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए फिर मैं बताती हूँ आपको। 10/10/1982। लेकिन न्यूमरोलॉजी के लिए क्या है, न्यूमरोलॉजी कोई भी सीख सकता है, इसकी यही खासियत है, सिखाने वाला ठीक होगा तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। बहुत बढ़िया पत्रिका है आपकी मैम ये, आप सिर्फ पहले इंसानों जो ऐसा बोल रहे हो, बाकी तो सब नेगेटिव ही बोल रहा है। नेगेटिव बोला है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो आपका भाग्य हमेशा साथ देता होगा, ये पक्की बात है, कोई भी काम आपका रुकता होगा, रुकते रुकते काम बन जाता है, रुकता नहीं होगा, ऐसा है? हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब मुझे अब इस चीज पे ज्यादा बिलीव है कि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से भगवान मेरा काम करवा देता है। हाँ करवा देते हैं ना, आपका काम नहीं रुकता, काम आपके हमेशा बनेंगे, ठीक है। जितना आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में उतनी ग्रोथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैरिड है आप? हाँ जी। 82 बोर्न है। फैमिली का बहुत ज्यादा सुख नहीं होगा, शादी तो हो गई है लेकिन एक फैमिली सपोर्टर है वो नहीं है आपके पास, नहीं है, नहीं है ना। और आपने अगर कभी किसी को पैसा उधार दिया तो वापस नहीं आएगा जिंदगी में, अगर देना है तो ये सोच के देना कि भैया वापस नहीं लेना, ले जा, ठीक है। आपका जुपिटर ठीक नहीं है, केतु ठीक नहीं है, और बुध का आपको उपाय कराना पड़ेगा। एक मिनट, 2, 6, 8 आने वाले 2 साल आपके लिए अभी स्ट्रगल वाले हैं। आपकी पत्री वैसे अच्छी है, आने वाले 2 साल आपके स्ट्रगल वाले हैं अभी, उसके लिए पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग सागर, हाँ बताती हूँ सागर जी, एक सेकंड। तो अभी क्या करते हो बेटे आप नेहा? मैम अभी तो मैं जो हूँ ना, मीन्स न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैंने कहीं से सीखा है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। और दूसरी बात यह है कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने में इससे इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आफ्टर एन मैरिज मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरा हैंड जो है ना ये ऐसा हो गया था। कैन यू सी? देख रही हूँ। अब देखिए मुझे यही जानना था कि कितने दुख छुपे हुए हैं। देखो हाँ बताओ बेटे, आगे बताओ, मैं आपके पहले बात सुन। हाँ बताओ, आप बताओ। तो बस मुझे यही जानना था कि मींस ऐसा लिखा था कि होना था, क्या है मींस? एक सेकंड, कौन से ईयर में हुआ जरा मेरे को बताओ।
एक्सीडेंट कौन सी ईयर में हुआ? 2009 में बेटे 2009 में हुआ था? हाँ जी। सिर्फ हाथ में ही चोट लगी थी, बाकी बचाव हो गया था? मेरे हाथ पे सब कुछ था। मैं समझ रही हूँ बेटा, वो तो मैं समझ रही हूँ, आपने जब बोला तो मेरा मन रो रहा अंदर से, वो तो मैं समझ पा रही हूँ बेटे। कहते हैं ना, जो तन लागे वो तन जाने, कौन जाने पीर पराई, कौन किसी का दुख समझ सकता है। ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ इस बात को बेटा, परेशान मत हो। देखो आपका मैं एक मिनट स्टडी कर रही हूँ चार्ट, 2, 2, 4 और 9 बेटे। आपका राहु बहुत खराब है। ठीक है, एक सेकेंड, 2009 के बाद अभी आपका आया 8। बहुत डाउन टू अर्थ है और इंटेलिजेंट है आप, समझदार है और मेहनती भी है। ठीक है, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं आप, ऐसा नहीं है, लेकिन लाइफ में बैलेंस की कमी है। मकान अपना हो सकता है, लेकिन मकान का क्या करोगे जब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। कहीं ना कहीं मन में बहुत भटकाव है जिसकी वजह से आप भटक रहे हो। ठीक है, आपका शुक्र भी खराब है बेटे, शुक्र की ब्लेसिंग्स लो और गुरु का उपाय करेंगे आपसे। ठीक है, और देखो पत्री मेरे को दे देना। ठीक है, आप परेशान मत हो। देखो मैं आपको यही चीज बता रही हूँ, राहु हो केतु हो, ठीक है, एक ही पर्सन के दो पार्ट है बॉडी के। ठीक है, तो पत्री मैं देखूंगी और मैं आपको रास्ता बताऊंगी। देखो न्यूमरोलॉजी में अगर आपको बोलूं कि आपके इसमें, ईमानदारी से बोलूं कि आपके इसमें नंबर आ रहे हैं, तो आपके एस्ट्रोलॉजी सीखने के नंबर इसमें नहीं है, जो सच्चाई ये है। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, अगर किसी का चार्ट में एस्ट्रोलॉजी सीखने के नंबर नहीं है तो क्या आठवां घर एक्टिवेटेड है? आठवां घर अगर एक्टिवेटेड है यानी कि वो गुप्त विद्या सीखेगा। और आठवां घर क्या होता है मैं बता देती हूँ, आठवां घर होता है गुप्त विद्या का, गुप्त शत्रु का, परेशानियों का, लाइफ में स्ट्रगल का, ऑब्स्ट्रक्शन का। ठीक है, तो जो लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शन आया वो आया आपका बिकॉज ऑफ राहु। आपका जो भाग्यांक है वही आपके ऊपर भारी पड़ गया, आपका जो भाग्यांक है वही आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप कष्ट में हैं बेटे। ठीक है, जो भी पर्सन कष्ट में है अगर उसका 8th हाउस, 12वां घर, 6ठा घर एक्टिवेटेड है, खास करके 8वां घर, तो वो इस विद्या का लेने का पात्र बनता है। ठीक है, तो आप मैम, हाँ बोलो बेटा, क्योंकि मैंने क्योंकि ना मैंने आप जब आपका लास्ट बैच हुआ ना तभी भी मैं आपसे सीखा, तो मुझे थोड़ा बहुत पता चला। फिर आपने बोला एस्ट्रो से एक जो ऐप होती है उसको डाउनलोड करो, तो उसमें मैंने देखा तो मेरे 8वें घर में ही 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध, शुक्र। तो ये देख के ना मुझे और ही वो लगा कि ये। अच्छा, एक चीज बताओ, मैरिड लाइफ कैसे चल रही है आपकी? सीट में है, सही बोलो तो। देखिए सूर्य, बुध, शुक्र अगर इकट्ठा आ जाता है तो सेपरेशन का योग बनता है। वो सेपरेशन का योग बनता है या कष्ट का योग है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आपका शुक्र जो है, जो हस्बैंड के सपोर्ट का नंबर है, 7 नंबर फैमिली सपोर्ट का नंबर है, वो दोनों मिसिंग है। तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजी से भी कर सकते हैं, आप उसको एस्ट्रोलॉजी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है। पहले तो आप न्यूमरोलॉजी क्यों सीखेंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी एक पावरफुल टूल है जिसको हम सेल्फ हेल्प टूल कहते हैं। जो आपकी आंखों के आंसू है ना, एक महीने बाद आप मेरे को हंसते हुए नजर आओगे और आप किसी के आंसू पोंछोगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, जब आपकी आंखों में आंसू हैं तो आप आने वाले समय में जिसके आंखों में आंसू होंगे उसको पोंछेंगे आप। तो आपको, आप अच्छा कर्म करोगे तो आपके दुख अपने आप पटते चले जाएंगे बेटा। ठीक है, परेशान मत हो बेटे, एक सेकेंड, आप परेशान मत हो, आप मेरे को चैट में नंबर, फोन नंबर डाल दो, मेरे से कल 1 से 3 के बीच में बात करो, आप सीखो इस विद्या को। ठीक है, और आगे बढ़ो लाइफ में। और अगर आप जैसे मैं भी कैसे पता चलता है, एक सेकेंड मैम प्लीज, अगर आपको काम भी करना है, अगर तेरे को फाइनेंस की भी दिक्कत है अगर थोड़ी बहुत,
थोड़ी बहुत नहीं, आपको फाइनेंस की भी दिक्कत है, और अगर होगी तो आपको मैं बताऊंगी कि कैसे जो एस्ट्रो सेज क्या, ऐसे और बहुत सारे इस तरह के सेंटर्स हैं जहां पे आप ऑनलाइन एज एन एस्ट्रोलॉजर काम कर सकते हो। अगर तेरे को मैंने प्रेडिक्शन सिखा दी और उसके बाद मैं तेरे को 3 महीने तक बैकअप सपोर्ट भी कर दूंगी कि मंथ में आपके पास कोई पहले आप अपने चार्ट देखो, नहीं समझ में आ रहा आप मेरे से हमेशा जुड़े रहोगे तो मैं आपको गाइड करते जाऊंगी। आप प्रेडिक्शन करो, आपने जो फीस लेनी है 500-1100 जो लेनी है उनसे लो, आप मेरे से सलाह लेके तब उसको प्रेडिक्शन करना, गलत प्रेडिक्शन मत करना, ठीक है? नहीं तो वो फिर पाप चढ़ेगा, ठीक है? परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, हम भी ह्यूमन बीइंग है, एरर तो हमेशा, मिस्टेक सबके साथ होती है, बट स्टिल तो आपको गाइड करती जाऊंगी। आपका जो कुछ भी अर्निंग होगी वो एक तरह से आपकी पॉकेट मनी, आप सीखोगे फिर जब आप ऑनलाइन जॉब करोगे तो आपका पॉकेट मनी दृष्टि आपकी आराम से चल सकती है बेटे, ठीक है? तो आप परेशान मत हो, आंखों से आंसू हटाओ, 1 महीने बाद ये इसी क्लास के सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए तेरा, ठीक है? हाँ मैम, ये आपकी न्यूमरोलॉजी की फीस क्या है वो मेरे से चैट पे बात कर लेना बेटे आप, है ना? कल फोन पे 1-3 बात मैंने ना आपको, ठीक है, ठीक बोलो। मैं उसमें आप अपने मेरे को डेट ऑफ बर्थ देना, मैं रात को बैठ के आपकी पत्री भी देखूंगी पहले, उसको भी स्टडी कर लूं, फिर बात कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है बेटा? परेशान मत हो आप। मैंने मैंने चैट में मैम हाँ जी, कौन से सिटी से हो नेहा बेटे? मैंने चैट में लिखा है। कौन से सिटी से हो मैम? फरीदाबाद। तो ये आपने नाम किससे पूछ के बैलेंस? हरियाणा है, नेहा मारवाहा, चेक करना ना, ये किससे पूछ के नाम बैलेंस किया आपने? मैम बहुत से लोग हैं जो गाइड करते रहते हैं, तभी तो समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें लाइफ में। अभी अभी मेरे पास परसों की क्लास में यश भी आई है, उसने क्या है बहुत सारे कोर्स सीखे हैं, जैसे कहते हैं ना एक चुराया है, चार रास्ते जा रहे हैं अलग अलग, तो चारों रास्तों पे गई है, चारों रास्तों पे पैसे खर्च किए। अब उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा तूने तो बिल्कुल, क्या होता है ना इतना हर चीज की अति बुरी है, तो आजकल ये जो वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस जो आ गए तो वो जो है अति हो गई है, तो लोग भटकते हैं, उनको समझ नहीं आता कहाँ जाए। अब वो क्या, उसने आधे आधे कोर्स करके 4-5 कोर्स छोड़े हुए हैं। मैंने कहा तूने एक का पल्ला पकड़ और ठीक से कर, तो जितनी एक्यूरेसी मैं प्रेडिक्शन से दे रही हूँ डेट ऑफ बर्थ देख के, ऐसे आप भी दे पाओगे, ठीक है? तो परेशान मत। मैम हाँ जी मैम बताइए, ये कैसे पता चलेगा कि 8,000 एक्टिवेटेड है या 6,000 एक्टिवेटेड है, ये कैसे पता चलता है? मैडम ये तो मैंने न्यूमरोलॉजी में देखा है ना, इनका लाइफ में इतनी ऑब्स्ट्रक्शंस है और इनका जो भाग्यंकार है वो सब क्लास में हम सिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी की क्लास में, उससे पता चल जाएगा, ठीक है? न्यूमरोलॉजी में भी सिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में, दोनों में ही सिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैम आप बता सकते हैं हम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं बता सकते, अब देखिए चलिए मैं, चलो आप काफी टाइम, नहीं नहीं कोई नहीं, बताइए आप बताइए, काफी टाइम हो गया, आप बताइए। 23rd September 1961 आप अपनी एज से कम लगते हैं बहुत। यस मैम आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है अच्छी खासी, 5 and 4 आता है, क्या चीज आपने डेट मतलब मोलांग 5 है वर्ण? नहीं नहीं आपने डेट ऑफ बर्थ, हाँ 23rd, अच्छा 23rd September मैम देखो आपका गुरु ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके चंद्रमा अच्छा, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, आप गुरु के गुरु को जब आप स्ट्रेंथ देना शुरू कर देंगे न्यूमरोलॉजी में तो आप ये विद्या को सीख पाएंगे,
हालांकि केतु इसमें नहीं है, बट जरूरी नहीं होता केतु सभी का हो, क्योंकि इसमें आपका आ रहा है ना 23 में 3 आ रहा है, गुरु का अंक तो आ ही रहा है, लेकिन उसी को ही आशीर्वाद चाहिए, गुरु आपका ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छा मैम, एक चीज बता सकते हैं कि अगर हम कुछ भी करते हैं लेकिन उसको आगे मतलब मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते, कुछ भी सीख ले, सीख अच्छा लेते हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर पाते, गुरु गुरु मैडम मैं आप, मैंने बता दिया आपको गुरु आपको, तो उसके लिए क्या करना होगा? वो रेमेडीज है मैम, एक नहीं है, कई सारी देनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके कई और भी मिसिंग नंबर है ना, उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वो आप कोर्स करेंगे तो आपको डिटेल दी जाएगी उसके बारे में। ठीक है, या फिर आप कल मेरे से बात कर लो, अपना चार्ट मेरे को टाइम पीरियड एस्ट्रोलॉजिकली दे दो, उसमें भी हम स्टडी कर लेंगे, दोनों को देख करके आपको डिसीजन दे देंगे। हमें हमने चैट में दे दिया वैसे। ठीक ठीक है, कल आप बात कर लीजिए, 1 से 3 के बीच में जो भी बात करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है मैम, आप लोग मेरा नंबर भी ले लीजिए अगर किसी को चाहिए, क्या होता है कि जरूरत। हाँ मैम, नंबर 766 ठीक है मैम, ठीक है, चलिए धन्यवाद बहुत बहुत, और जो लोग भी जुड़ना चाहें कल की क्लास में आप आइए और बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है सर, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर वही 8:30 बजे। नमस्कार सर, नमस्कार।